राकेश कौल। देखिए आज हम देख रहे हैं दिन ब दिन केस तो बढ़ रहे हैं, मगर जो वीकले जो जो है ना वीकेंड का जो लॉकडाउन किया है, जो परसों शाम रात को देर से ऐलान हुआ, वो थोड़ा अगर वो एक दिन पहले कर लेते तो ताकि कल की वो जो दौड़ादाड़ी नहीं होनी थी है। मगर वीक लॉक जो लॉकडाउन ये लगा जो एसेंशियल सर्विसेज के जो छोड़ के जो बाकी चीज़ों पर है, तो क्योंकि कोई घर से नहीं निकलना चाहिए ऐसे, या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो ज़रूरी नहीं है आवश्यक के लिए, ठीक है। अगर वीक एंड लॉकडाउन है तो इससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि लोगों का आना जाना, लोगों का बाज़ारों में ऐसे घूमना जो उससे वो बंद हो जाएगा। तो मगर इसके साथ साथ ही अगर थोड़ा सा हम खुद लोग भी इसमें ध्यान देंगे, ये जो बीमारी जो फैली है इस पर थोड़ी सी हमारा भी एक दायित्व बनता है, हम भी थोड़ा सा इसमें कुछ काम कर सकते हैं इसके लिए। और दूसरा ये भी देख रहे हैं कि जो दाढ़ीदार लोग हैं, क्योंकि उनका भी देखना है, उन पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए जिसकी वजह से हमारा 2020 और 2021 दोबारा दोहरा जाएगा, ये हमारा कहने का मतलब है। जी सर, आपका नाम? सूरज चंद्र गुप्ता। लॉकडाउन तो स्टेप अच्छा है, थोड़ा जल्दी करना चाहिए था, थोड़ा लेट किया इन्होंने, केसेस ज़्यादा बढ़ गए उसके बाद लॉकडाउन किया, थोड़ा जल्दी करना चाहिए था। एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ मैं, इन्होंने जो चलान काटना स्टार्ट किए मास्क के, वो पहले से स्टार्टिंग से, जब स्टार्टिंग में लॉकडाउन हुआ तब से लगातार ही रखना चाहिए था इनको, उससे जो है आम पब्लिक जो है वो उन्होंने पालन नहीं किया इसका, तो बिना मास्क के घूमते थे। जैसे सेक्रेट मूव होना था, सेक्रेट तो मूव हुआ नहीं, वो कैंसिल हो गया, जो उधर के वर्कर थे उधर इधर के इधर। लेकिन इस बार कश्मीर से बहुत ज़्यादा जो लोग हैं आए हैं, रिकॉर्ड तोड़ आए हैं, मैंने आज तक देखे नहीं इतने लोग जितने इस बार देखे हैं। तो एक भी बंदे ने मास्क नहीं पहना था, इनको चलान काटने चाहिए थे। अब वो कश्मीर वापस गए हैं तो अभी चलान काटना स्टार्ट कर रहे हैं, उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता था इस पर, तो जो उन्होंने चलान लेट काटना स्टार्ट किया। बाकी लॉकडाउन तो अच्छा स्टेप है, लेकिन अभी भी जो डिपार्टमेंट के बंदे हैं उनको सोचना चाहिए कि जो आम पब्लिक है घूम रही है ऐसे ही बिना मतलब के ही, उन पर भी नज़र रखें। एक दो बंदे को अगर वो पकड़ेंगे, चलान काटेंगे उनका बिना मतलब के जो घूम रहे हैं, एक्शन लेंगे उन पर, अगर ये आपके मीडिया के द्वारा दिखाया गया टीवी पे, तो जो बाकी पब्लिक घूम रही है बिना मतलब के वो भी बंद कर देगी घूमना। लॉकडाउन देखो ये तो एक ये जो महामारी जो फैली हुई है पूरे विश्व में, उसी के प्रक्रिया में ये लॉकडाउन जो है गवर्नमेंट जो है सारे, जैसे अभी कल डीसी साहब बोल रहे थे कि हर फ्राइडे को एक मीटिंग होती है हाई लेवल की, उसमें ये डिसाइड करते हैं कि पूरा वीकली जो है उसमें क्या रहता है, उसी के कंसर्न में इन्होंने ये लिया। लेकिन थोड़ा सा दुख की बात ये है कि जैसे कल इन्होंने आनंद फानंद में सुबह मॉर्निंग में ये डिसीजन लिया,
ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी अगर आपने डिसीजन लेना प्री प्लान होना चाहिए और कंक्रीट होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो लोग जो नीड बेस्ड डेली बेस्ड जो हैंड टू माउथ लोग हैं उनके बारे में गवर्नमेंट को सोच के जो भी फैसला लेना चाहिए। हाँ, कहीं ज़्यादा क्राउडेड एरिया है वहाँ आप ऑड इवन आप कर सकते हो, लेकिन ये आप ये नहीं कर सकते कि आप ऐसा डिसीजन ले लो कि सारा काम काज बंद कर दो। इकॉनमी आपको पता हमारी पहले ही जो है बैठी हुई है, और कोविड जो है हमें कोविड को भी फेस कर रहा है और अपनी इकॉनमी को भी बैलेंस कर रहा है, तो ये चीज़ें सारी देख के इसी तरीके से एक फैसला लिया जाए जिसमें कोविड से भी लोग पूरा कोविड की गाइडलाइन को भी पूरा फॉलो करें और लोगों का कामकाज जो है वो भी चलता रहे।